नमस्कार, आप सभी का नमस्कार स्वागत है जी। हमारे पशुधन स्वास्थ्य चर्चा में। पशुधन स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री राम कुशवाहा जी, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी बक्सा कुरौली बांदा हैं। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय पंतनगर से हासिल की। एमबीएससी की डिग्री, एमबीएससी की उपाधि इन्होंने मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी से लिया है और पिछले 10 वर्ष से अधिक का समय इनका पशुपालन विभाग में हो गया है और लोगों के हृदय में एक अपना विशेष स्थान बना रखा है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस धन्यवाद कार्यक्रम डॉक्टर में। जी। एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें हमारे पशुपालक हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं। जी जैसा कि जो पहला सवाल हमारे जो पशुपालक भाई बंधुओं का आया है कि ठंड के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां मुख्यतया होती हैं। ठंड में मेन रूप से जो बीमारी होती है, अगर मान लीजिए कि जानवर खुला बंधा रहता है या फिर उसको सही से पट्टी और ये बोरों से ढका नहीं जाता, ठंड से नहीं बचाया जाता, तो आम टाइम पे हाइपोथर्मिया यानी कि पशु का जो तापमान है वो नीचे हो जाता है, जिस वजह से पशु चारा पानी कम कर देता है, कभी कभी लार भी आने लगती है मुंह से, और कोई कोई जानवर ज्यादा अगर तापमान नीचे पहुंच जाता है 96 डिग्री के लगभग, तो जानवर बैठा रह जाता है। जी और दूसरी बात यह है कि और जनरली जो भी क्लाइमेट अगर ठंडा ज्यादा रहता है तो आमतौर पर संक्रमित बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन यही है कि उस समय ज्यादातर आपके घाव वाव रहते हैं जानवरों के, और दूसरा थनैला की बीमारी रहती है, और मुख्यतः तो वही आपको ठंड से बचाव के ही उपाय करने की जरूरत रहती है। जी हमारा दूसरा सवाल है हमारे पशुपालक बंधुओं का है कि ठंड के मौसम में हम अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें मुख्यतः तो ठंड से बचाव के ही प्रयास करने चाहिए, ज्यादातर कि उसको आप कमरे में थोड़ा सा जहाँ ठंडी डायरेक्ट हवा ना लगे उसके बचाव के प्रयास करें कि आप बोरे लगाइए, पन्नी लगाइए, कि सीधा जानवर ठंडी के संपर्क में ना रहे। अगर चाहें तो अलाव भी जला सकते हैं, और दूसरा चाहें तो उसको थोड़ा सा गुड़ है, अजवाइन है, लहसुन है, जो गर्मी पैदा करे यानी कि हाई कैलोरी वाली राशन देने का प्रयास करना चाहिए। इस मौसम में अगर कैल्शियम दिया जाता है दूध देने वाले जो जानवर हैं तो ज्यादा ही कारगर होता है। जी अच्छा, एक सवाल हमारे किसान बंधु का राजस्थान से आया है, क्या ठंड के समय गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है? ऐसा कुछ है क्या कि ठंड के मौसम में गर्भपात ज्यादा देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ज्यादातर तो ये गर्मियों में होता है गर्भपात के चांस, लेकिन फिर भी अगर जानवर शीतलहर के डायरेक्ट संपर्क में आता है और उसका खान पान जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता है, वीकनेस के वजह से गर्भपात हो सकता है। चलिए, ये तो आजकल जो मौसम चल रहा है ठंड का उसके बारे में चर्चा हो गई। अब सर, आप हमको ये बताइए, या हमारे जो किसान बंधु पशुपालक जो पैरावेट्स हैं और जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं इस कार्यक्रम को देखते हैं, कि पशुपालन विभाग के द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं जिससे हमारा पशुपालक लाभ ले और पशुधन को मजबूत बनाए। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुख्य रूप से योजना चलाई जा रही है वो 75 लाख AI और 100 दिवसीय मिशन योजना है, जिसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि पशुपालक को निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार का कार्यक्रम पूर्ण किया जा सके। नस्ल सुधार का अगर ये कार्यक्रम होगा तो स्वाभाविक बात है कि हमारे किसानों की दूध उत्पादन क्षमता जो पशुओं की बढ़ाने में मदद मिलेगी,
साथ ही हमारे प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। और दूसरी और सारी योजनाएं हमारे यहाँ चलती हैं, एक योजना है पशुधन बीमा की है, जिसमें सरकार 75% समान कैटेगरी के पशुपालक को सब्सिडी के रूप में प्रीमियम में देती है। स्पेशल कंपोनेंट के लिए केवल 10% ही पैसा देना पड़ता है, बाकी 90% पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में प्रीमियम में देती है। इससे यह है कि अगर पशुपालक अच्छे पशु रखता है, अगर उसका इंश्योरेंस कराता है, तो उसको क्षति जो होती है, अगर हम किसी तरह पशु को नहीं बचा पाते हैं, तो क्षतिपूर्ति के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है। तीसरी योजना अगर हमारे हमारे यहाँ ये भी चल चल रही है कि जी हम वर्तमान में एक ये FMD चल रहा है, खुरपका मुंहपका, उसका भी निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। और दूसरा साथ ही एक ब्रुसेलोसिस का भी कार्यक्रम चल रहा है कि जो भी छोटे हमारे पड़िया हैं या बछिया हैं, तो उनको 4 से 8 महीने तक की उनको ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण किया जा रहा है, जो गर्भपात की समस्या आगे चल करके उनमें ना हो। ये मुख्यतः योजना चल रही है। और बाकी गौ संरक्षण का कार्यक्रम तो सभी लोग जानते ही हैं, चल ही रहा है। उसी में अगर एक मुख्यमंत्री सहभागिता योजना है, बेसहारा सहभागिता योजना, अगर कोई पशुपालक अपनी स्वेच्छा से कोई गाय सुपुर्दगी में लेता है, तो उसको 900 रुपया प्रति माह की ओर से सरकार की तरफ से दिया जाता है। यही बहुत सारी योजनाएं हैं। और बाकी तो कार्यक्रम में जो भी पशुपालकों को जरूरत होती है, संबंधित पशु चिकित्सालय से, वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी से मिल करके बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये आपने नई जानकारी दिया कि हमारे जो किसान भाई हैं वो गौशाला से पशु ले सकते हैं और उसके अवज में उसके खान पान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसको 900 रुपया प्रति माह प्रति पशु के अनुसार उनको पैसा देती है। पशुधन को मजबूत करने के लिए और क्या-क्या उपाय करने चाहिए, हम क्या-क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पशुधन मजबूत हो और उसमें किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो, तो कुछ ऐसे कुछ उपाय। मेरे विचार से तो पशुपालक को अगर हमें मजबूत करना है, तो हमारे किसानों को वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन को अपनाना होगा। अभी क्या है कि हमारे किसान भाई जो हैं, तो अपने परंपरागत से ही पशुपालन कर रहे हैं, इस वजह से उनको सही से पशुपालन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अगर वैज्ञानिक विधि से हम इसको अपनाएंगे और इसका पूरा हिसाब रखेंगे कि हम अगर पशु पालते हैं तो उससे हमें कितना लाभ होता है या नहीं होता है, इसका आकलन हमारे पशुपालक भाई नहीं करते हैं। क्योंकि हर एक किसान किसान भी है, पशुपालक भी है, उसके घर में भूसा भी होता है, दाना भी होता है और पशु रखे हुए हैं। वो कभी बाहर से जब भूसा और दाना खरीदेगा, तब उसको अंदाजा होगा कि हमारा कितना पशुपालन में खर्च हो रहा है, हमें उससे क्या लाभ हो रहा है। इसका आकलन पशुपालकों को करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो भी किसान भाई बाहर से सब कुछ खरीदते हैं और फिर उसका दूध बेचते हैं, तब उसका डिफरेंस करते हैं कि कितना हमें लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सा ये है कि किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, पशुपालन हम की कैसे करना है, हमें समय से उनको टीका कब लगवाना है, कोई बीमारी होती है तो कैसे उसका इलाज कराना है। क्योंकि पशुपालन में दो ही चीज महत्वपूर्ण है, पशु की नस्ल और पशु का पोषण। अगर हम अच्छे नस्ल का पशु पालेंगे और उस हिसाब से उसका पोषण करेंगे, तभी हमें उसका सही लाभ, उसका उत्पादन पूरी तरह मिल पाता है। जबकि किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, पता लगा कि पशु की नस्ल अच्छी नहीं है तो उनके पास खिलाने पिलाने की व्यवस्था तो है, लेकिन उसकी क्षमता ही अगर 5 लीटर की है, तो आप कितना बढ़िया खिलाइए, लेकिन उसका दूध का उत्पादन नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई अच्छी नस्ल का पशु रखे हुए है, लेकिन उसको कैसे क्या क्या खिलाना चाहिए ऐसा नहीं करता है,
तो फिर पशु में जो संरक्षित तत्व हैं वो दूध के साथ निकल जाते हैं, तो फिर जानवर समय पे हीट पे नहीं आता है, तो गाभिन नहीं होता है, तो उसका जनरेशन गैप हो जाता है, जो उसको हर साल 1.5 साल में एक बच्चा प्राप्त करना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए पशु पोषण का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से यही सलाह है कि वो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन को अपनाएं, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ ले सके। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए निकाला। इसके लिए हमारा भारत का किसान मीडिया आपका आभारी है, और निश्चित ही हमारे जो श्रोता हैं आपकी बातों को मानेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा पशुधन स्वस्थ मजबूत होगा और हमारे किसान खुशहाल होंगे, और जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और उसके धीरे धीरे जो झलक है वो धरातल में दिखने लगी है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन की ओर ध्यान दे रही है और हमारे पशु पालकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रही है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ पशुधन को मजबूती मिले, यही इस चैनल का मेन उद्देश्य भी है कि पशुपालकों को हम जागृत करें, लोगों को जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद सर कि आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद नमस्कार। डॉक्टर।